यदि आपको ऑफिस जाने के लिए हवाई जहाज मिले तो कैसा हो, और वह हवाई जहाज भी आपका ही हो तो कैसा रहे। सोचकर ही दिल रोमांच से भर जाता है। दुनिया के ज्यादातर देशों में घरों के बाहर आपने कारें खड़ी देखी होंगी, लेकिन एक जगह ऐसी भी है जहां आपको घरों के बाहर हवाई जहाज खड़े मिलेंगे। घरों में प्लेन पार्क बनाने के लिए हैंगर बने हुए हैं और सड़कों को भी इस तरह से बनाया गया है कि उन पर चलकर हवाई जहाज आसानी से हवाई पट्टी तक पहुंच सके। यह जगह है अमेरिका के कैलिफोर्निया में स्थित कैमरून एयर पार्क। कैमरून एयर पार्क में रहने वाले ऑफिस भी जहाज लेकर जाते हैं। कैमरून पार्क में हर घर में जहाज होने का कारण यहाँ रहने वाले प्रत्येक निवासी का किसी न किसी तरह से एविएशन इंडस्ट्री से जुड़ा होना है। यहाँ की गली सड़कों पर चलते हुए आपको एयरपोर्ट का आभास होगा। सड़कों और गलियों के नाम भी एविएशन से जुड़े हुए रखे गए हैं, जैसे बोइंग रोड। कैमरून पार्क साल 1963 में बना था। यहाँ कुल 124 घर हैं। मनी कंट्रोल की एक रिपोर्ट के अनुसार यहाँ घर में हवाई जहाज होने का कारण यह है कि यहाँ रहने वाले ज्यादातर लोग रिटायर्ड मिलिट्री पायलट हैं। अमेरिका में दूसरे विश्व युद्ध के दौरान हवाई पायलटों की संख्या में भी भारी इजाफा हुआ और पायलटों की संख्या 1946 तक 4 लाख हो गई। इस दौरान युद्ध के दौरान बहुत सारे एयरफील्ड भी बनाए गए। युद्ध के बाद इन्हें बंद नहीं किया गया और उन्हें रेजिडेंशियल एयर पार्क बना दिया गया। अमेरिका के नागरिक उड्डयन प्राधिकरण ने रिटायर्ड पायलटों को यहाँ बसाने का फैसला किया। ऐसा ही एक रेजिडेंशियल एयर पार्क कैलिफोर्निया में कैमरून एयर पार्क के नाम से बसाया गया। एविएशन से जुड़े होने के कारण यहाँ रहने वाला लगभग हर नागरिक हवाई जहाज को लेकर दीवाना है। अमेरिका में ऐसे 610 एयर पार्क हैं। यहाँ की सड़कों पर हवाई जहाज कारों की तरह चलते आपको नजर आ जाएंगे। इसका कारण यह है कि यहाँ के लोग ऑफिस भी विमान लेकर जाते हैं। यहाँ की सड़कें चौड़ी हैं। ऐसा इसलिए किया गया है ताकि लोग अपने विमानों को आराम से नजदीकी एयरफील्ड तक ले जा सकें। सड़कें इतनी चौड़ी हैं कि इन पर एक विमान और एक कार आसानी के साथ साथ गुजर सकें। कैमरून एयर पार्क की सड़कों पर लगने वाले साइन बोर्ड और लेटर बॉक्स सामान्य ऊंचाई से थोड़ा नीचे लगाए जाते हैं ताकि विमान के विंग से उन्हें या विमान को कोई नुकसान न पहुंचे।